गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ऑफ ग्रेड प्लेस है और ऑफ ग्रेड प्लेस एक एस्से है जिसको लिखा है किसने, फ्रांसिस बैकन ने लिखा है। तो देखिए ये क्या है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ हिज एसेज एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1612। तो ऑफ ग्रेड प्लेस जो है फ्रांसिस बैकन के एसेज के कलेक्शन का एडिशन का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड एडिशन है। इसको पब्लिश किया इन्होंने 1612 ईस्वी में। वैसे फ्रांसिस बैकन के बारे में बता दें तो फ्रांसिस बैकन ने 1597 ईस्वी तक 10 एस्से लिखा था और 1612 ईस्वी तक इन्होंने 38 एस्से को कंप्लीट कर लिया था, 38 एस्से को कंप्लीट कर लिया था। इस एस्से में बैकन टॉक्स अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पीपल। इस एस्से में बैकन लोगों के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं और ऐसे लोगों के बारे में हु ऑक्यूपाई इन्फ्लुएंशियल ग्रेट पोजीशन इन द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में एक काफ़ी मतलब ग्रेट पोजीशन को बैठे हैं, जैसे जो सोसाइटी में एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं, है ना, ऐसे लोगों के बारे, ऐसे लोगों के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं। बैकन बिगिंस हिज एस्से by stating that a person of great place is a servant of three masters। बैकन अपने एस्से की शुरुआत करते हैं, ऑफ ग्रेट प्लेस की शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि कोई व्यक्ति जो है ना वो सर्वेंट ऑफ थ्री मास्टर्स, तीन तरह का गुलाम होता है, तीन तरह का सर्वेंट होता है, है ना। ही सेज मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट। इस तरह से इस लाइन से वो शुरुआत करते हैं अपने एस्से का, मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट, सर्वेंट्स ऑफ सॉबरीन और स्टेट, सर्वेंट्स ऑफ फेम, सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस। मीन्स इंसान तीन तरह का गुलाम होता है, पहला है सर्वेंट ऑफ सॉबरीन, सॉबरीन या स्टेट का गुलाम है, सर्वेंट्स ऑफ फेम का गुलाम है और सर्वेंट ऑफ बिजनेस का है या वर्क का है। दे डोंट हैव अ लिबर्टी टू समथिंग फॉर देमसेल्व्स। देखिए इनके पास इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती है कि अपने लिए कुछ कर सकें, नॉर दे कैन एक्ट फ्रीली, ना तो ये फ्रीली रूप से एक्ट कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। इवन दे कांट स्पेंड देयर टाइम विद देयर ओन चॉइस, और ना ही अपनी ये चॉइस के अनुसार अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मीन्स अपने भी टाइम को स्पेंड करने में, जैसे जो बड़े लोग होते हैं कई सारी क्राइसिस होती हैं, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर सकते, कुछ भी करेंगे मीडिया है, मतलब कुछ भी है ना, ये चीज़ है। वो यहाँ बताया गया है कि ये अपने इच्छा अनुसार अपना टाइम भी नहीं व्यतीत कर सकते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेंज डिजायर, एक अजीब सी ही तो इच्छा है, टू सीक पावर टू लूज लिबर्टी, कि लोग पावर को खोजना चाहते हैं लेकिन लिबर्टी को क्या खो देना चाहते हैं, मतलब पावर तो चाहते हैं लेकिन लिबर्टी को खो देना चाहते हैं। और टू सीक ओवर अदर्स, या दूसरे लोगों के ऊपर, टू सीक पावर ओवर अदर्स, दूसरे लोगों के ऊपर शासन तो करना चाहते हैं, एंड टू लूज पावर ओवर अ मैन्स सेल्फ, लेकिन खुद के ऊपर जो कंट्रोल है, खुद को टाइम देना, इन सबको क्या करते हैं, खो देते हैं। बैकन सेज, बैकन कहते हैं डैट इट इज़ अ ह्यूमन नेचर, कि ये एक इंसानी प्रवृत्ति होता है, इंसानी नेचर है, डैट नो मैटर हाउ ग्रेट प्लेस ही रीच्स ऑलवेज ट्राइज टू जज हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, कि कोई मैटर नहीं करता है कि कोई व्यक्ति कितने बड़े प्लेस पर है, ये कोई मैटर नहीं करता है, बल्कि जो जितने बड़े प्लेस पर है कहीं ना कहीं वो अपने आप को जज करने के लिए दूसरे लोगों पर ही डिपेंडेंट है। दे ऑलवेज वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट देम, और वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे। अब इसके बाद क्या है, दे नेवर रियलाइज देयर मिस्टेक्स, इनको कभी अपनी मिस्टेक का ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, इनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो पाता है। एंड व्हेन दे सफर लॉस ऑफ ग्रीप, और जब ये बहुत कष्ट झेल रहे होते हैं, दे यूज देयर मनी, तभी अपने पैसे का यूज करते हैं, टू क्योर देयर ग्रीप एज सून एज पॉसिबल, उस दुख दर्द को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, जितना जल्द से जल्द वो दुख दर्द समाप्त हो जाए, इसके लिए वो अपने पैसे का यूज करते हैं। सेंस फ्रीडम,
दे डू नॉट इनफ टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ, और इनके पास तो अपने खुद के लिए टाइम नहीं होता है, खुद के लिए इतना टाइम नहीं होता है देयर हेल्थ, कि अपने हेल्थ को दे सकें, देयर फैमिलीज, अपने फैमिलीज के साथ में टाइम स्पेंड कर सकें या अपने खुद के ऊपर काम कर सकें, इनके पास तो इतना भी टाइम नहीं होता है। द ओनली थिंग, केवल एक चीज विच रिमेन्स इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ ग्रेट प्लेस इज देयर सक्सेस, मनी, पावर। ऐसे लोग जो कि बड़े प्लेस पर, बड़े ओहदे पर पहुँच गए हैं, इनके लिए अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो वो है सक्सेस, सफलता, मनी मतलब पैसा, एंड पावर, और पावर मतलब शक्ति ऑन द अदर्स, दूसरे के ऊपर पावर करना। और जबकि इनके पास खुद का, दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ, देयर हेल्थ, देयर फैमिलीज, इनके पास खुद के लिए, अपने हेल्थ के लिए और अपने फैमिलीज के लिए टाइम, फैमिली को के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता। ये सक्सेस, मनी और पावर के ही पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने अपने हिसाब से लिखा, जैसा होगा आप लोग बताना। थैंक यू।